तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है 5G से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो 5G अभी 2020 में आने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, और दोस्तों क्या मतलब की चीज़ें ऐसी होगी जो कि 5G के लिए करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों, जो 5G है वो 2020 में आपको मतलब की फिजिकली रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड नहीं हो सकता इतनी जल्दी, क्योंकि दोस्तों जो टावर्स है सेलुलर्स के, तो वो उतनी जल्दी मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं है कि वो शिफ्ट कर सके अपने टावर्स को। उनको जो 5G के टावर्स एक्सेक्ट्रा लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, जो 4G के टावर आप देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगे, लेकिन वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते 5G के लिए। और दोस्तों मतलब कि जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है जो आपकी 4G की 5G के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इस कारण जो 5G के अगर वेवलेंथ को मैच करना है तो टावर्स को ज़्यादा लगाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और दोस्तों, अगर वेवलेंथ मतलब कि बहुत अच्छे से लगी तो 5G की स्पीड आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो आप एक बीम ऑफ लाइट को जितनी बार रिफ्लेक्ट करोगे, जैसे कि मान लो आपके वहाँ 5 मिरर है, तो आप अगर एक बीम ऑफ लाइट को 1/5 मिरर से पास करोगे तो आपको स्पीड मतलब कि उतनी ज़्यादा मिलेगी। जो मतलब कि डिस्टेंस होगा नेटवर्क का, वो उतना ज़्यादा ट्रेवल होगा। तो आप ये मतलब कि सिंपली मान सकते हो कि जितना ज़्यादा आपके वहाँ टावर होंगे, आपको स्पीड उतनी अच्छी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, जो स्पीड अगर मिले 5G में तो इंडिया में काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो 4G की स्पीड है वो भी मतलब कि एज जो जितना ग्लोबली स्पीड, उतनी स्पीड नहीं है इंडिया की। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में मतलब कि एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा है और जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है इंडिया के कंपेरिजन में। इसलिए दोस्तों, जो इंडिया में स्पीड है उतनी ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलती है, चाहे आप डाउनलोडिंग स्पीड करो या फिर अपलोडिंग स्पीड। और दोस्तों, 5G में इसको इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, 5G में अगर इसको इम्प्रूव नहीं किया गया तो प्रॉब्लम आपको 6G में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों 6G में आपको जो 5G के टावर्स है, अगर उन्हीं को शिफ्ट किया जाए 6G के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और दोस्तों मतलब कि जो टावर्स है उनकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा की जा सकती है, मतलब कि जो 5G के लिए टावर्स यूज़ किए जाएंगे उससे ही मतलब कि 6G के टावर्स के लिए भी सपोर्ट किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हो कि जियो जैसी कंपनी मतलब कि फ्री में जो सिम्स को बांटती है, और दोस्तों मतलब कि जो उनका जो लॉयल्टी है वो अपने रिचार्जेस के थ्रू लेती है। और दोस्तों मतलब कि आप मान सकते हो कि जो रिचार्जेस है वो सिम का जो प्राइस है वो मतलब कि कर देता है इक्वल, लेकिन दोस्तों जो सिम की अमाउंट है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों जो 5G है, जो 4G है उसके कंपैरिजन में 5G में लोग शिफ्ट होना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो स्पीड है, और अगर जियो ने एक ऐसा स्टेप चल दिया है जैसे कि फ्री इंटरनेट, तो डेफिनेटली जो 5G में आपको लॉग ज़्यादा देखने को मिलेंगे 4G के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात जियो मतलब कि इंटरनेट फ्री कर रहा है और कर देगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कर सकता है, मतलब कि जियो इंटरनेट अगर फ्री कर सकता है, और जो अगर जो इंडियन कस्टमर्स है और जो सिम्स है वो उन सभी को मिले, तो डेफिनेटली जो 5G में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों, अगर ये स्टेप चला गया जियो के द्वारा, तो जियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीड हासिल कर सकती है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। दोस्तों, आप सभी तो जानते हो, जैसे कि अभी 4G स्मार्टफोन आया तो जियो ने अपना इंटरनेट फ्री कर दिया, और आज की डेट में मोस्ट ऑफ पीपल के वहाँ जियो की सिम है, भले ही उनके पास कोई दूसरी सिम जैसे कि आप मानते हो कि वोडाफोन या फिर एयरटेल हो सकती है, लेकिन जियो डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के पास आपको देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि जो जियो में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और थोड़ी सी स्पीड उसमें लैगिंग देखने को मिलती है, मतलब कि थोड़ी सी कम स्पीड देखने को मिलती है। अब दोस्तों, अगर जियो के जो नेटवर्क्स है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जियो कर ले, तो कंपटीशन में और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है जियो के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए तो जियो के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है 5G लाना इंडिया में। तो दोस्तों, ये एक
इस टाइप की एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि इस तरह से जियो और मतलब कि इंडिया में 5G आना काफ़ी इजीली रह सकता है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई तो 5G इंडिया में काफ़ी और काफ़ी अच्छे से आ सकता है और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रॉक कर सकता है इंडिया में। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतने, अब देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओवर एंड आउट।